नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जनवरी की 2 तारीख है और दिन है मंगलवार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरसों के बाजार में अब आगे बाजार कैसा रहने वाला है, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है। आज की जो स्थिति है उस पर बात कर लेते हैं, और उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आज अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका हृदय से आभार। जैसा मैंने पिछले रविवार के वीडियो में भी बताया था और उससे पहले भी कई बार जिक्र हुआ है कि सरसों के बाजार में तेजी की संभावना बिल्कुल नहीं है, और एक कुछ दिन के लिए बाजार एक ठहराव की स्थिति में आ सकता है, और वो ठहराव पिछले 1 सप्ताह से 5 दिन से बना हुआ है। जयपुर का भाव 5550 से लेकर के 5600 रुपए के दायरे में घूम रहा है। आज भी बाजार लगातार पिछले तीसरे दिन 5575 रुपए पर कायम है। भरतपुर मंडी का भाव 20 रुपए बढ़ता है, फिर 20 रुपए घट जाता है, 30 रुपए बढ़ता है, फिर 30 रुपए घट जाता है, बाजार वही का वही है। यही स्थिति चरखी दादरी दिल्ली और टोंक निवाई लाइन की है, और यही स्थिति दूसरी मंडियों की है। अब आज भी एक तेल एसोसिएशन के बड़े नेता ने कहा है कि जो कुल उत्पादन है सरसों का 2024 में जो आ रहा है सीजन में, यानी जो मार्च में जो सरसों आएगी या फरवरी के एंड से शुरू होगी, ये जो सरसों है इसका जो कुल उत्पादन है वो 120 लाख टन के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसमें पिछले साल का यानी जो बीत रहा साल है उसका 10 लाख जो कैरी फॉरवर्ड है वो भी शामिल हो जाएगा, तो 130 लाख टन की आपूर्ति हो जाएगी, जिससे साल भर में पूरे साल के अंदर सरसों के अंदर तेजी की संभावना नहीं रहेगी। सिर्फ 2 कारणों से अब तेजी की संभावना बन सकती है। पहला कारण यह है कि विदेशी तेलों में, खास तौर पे पाम तेल में तेजी की संभावना बने। दूसरा, भारत सरकार अब जो अप्रैल मई के अंदर जो हमारे लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उम्मीद की जा रही है कि इस चुनाव के बाद में सरकार जो है वो विदेशी तेलों के आयात पर जो नाममात्र की ड्यूटी लगी हुई है, यानी लगभग फ्री जैसा आयात हो रहा है, उस पर टैक्स बढ़ा करके, शुल्क बढ़ा करके, और इस विदेशी आयात को रोक करके घरेलू तेल तिलहन को थोड़ा मजबूत कर सकती है। 5550 रुपए का समर्थन मूल्य है इस बार, लेकिन अभी भी बाजार 5550 रुपए तो कहीं शायद नहीं बिक रहा है, और 1-2 प्लांटों के भाव इसके नज़दीक जरूर हो सकते हैं, लेकिन जो मंडियों की जो स्थिति है वो तो MSP से बहुत दूर है। और ऐसी हालत अगर रहती है तो आगे 2-3 साल के अंदर सरसों की फसल का उत्पादन घट सकता है, क्योंकि किसानों का रुझान घटेगा, किसानों को यह घाटे का सौदा दिखाई देगा और इससे बाजार टूटेगा। 1-2 सवाल ये आए हैं कि मूंगफली में तेजी कहाँ रह गई, तो इतनी जल्दी तो बताई भी नहीं थी भाई जी, इतनी जल्दी तेजी आ जाएगी। अभी बाजार ठहरा हुआ है और ठहरा हुआ ही रहेगा, कुछ दिन के बाद बाजार में सुधार होने की संभावना बनेगी। फिलहाल जो मूंगफली तेल का जो भाव है राजकोट का, वो 1600 रुपये पर स्टेबल है कई दिनों से, और इसमें सुधार की गुंजाइश बनी हुई है, लेकिन अभी नहीं, कुछ ठहराव के बाद। बिनौला तेल में घटबट जारी है, कभी 10 रुपये बाजार राजकोट का बढ़ जाता है, कड़ी का भी, और इसी तरह से दूसरी मंडियों का भी, और कभी घट जाता है, लेकिन ये सिर्फ विदेशी तेलों का दबाव है। आपूर्ति कॉटन ऑयल के अंदर बहुत कम है, लेकिन इसमें तेजी बनने के अंदर थोड़ा समय लगने की संभावना है, समय लेकर के ये थोड़ा तेज हो सकता है। और जो आपका सरसों तेल का जो मामला है, सरसों तेल जो अब है, आज का जो भाव है जयपुर का, वो है 1001 रुपये कच्ची घानी का भाव 10 किलो का। आने वाले सीजन के अंदर या आने वाले दिनों के अंदर सरसों तेल में तेजी की कोई संभावना नहीं है, और जो नया सीजन आ रहा है उसके अंदर बाजार यहाँ से 10-15% डाउन रहने की संभावना बढ़ रही है। यही स्थिति सरसों में भी है, सरसों के अंदर भी बाजार गिरावट की तरफ ही बढ़ेगा। कभी सज्जन पूछते हैं, काफ़ी सज्जन, की फरवरी में क्या रहेगा, मार्च में क्या रहेगा, 15 जनवरी को क्या रहेगा, और संक्रांति पे क्या रहेगा, होली पे क्या रहेगा, दिवाली पे क्या रहेगा, तो इन सब सवालों का एक ही जवाब है कि सरसों के अंदर तेजी नहीं है। सरसों का बाजार अब धीरे धीरे दबाव में आएगा, डाउन होता हुआ जाएगा। कुछ एक मंडियों के भाव आपके से साझा कर लेते हैं। जो प्लांट है सलोनी प्लांट के भाव पिछले 3-4 दिन से बंद है, और जो गोयल कोटा का प्लांट है वो 5400 रुपये पर स्थिर है। जो आगरा के
बीपी आगरा और शारदा के जो प्लांट है वो 5800 रुपये पर कायम है, और जो मंडियों के भाव हैं वो लगभग लगभग स्टेबल हैं, जैसे पिछले 3-4 दिन से चल रहे हैं वैसे ही है। भरतपुर का बाज़ार आज कल से 18 रुपये कमज़ोर है, 5543 रुपये का भाव खुला है। जयपुर 5575 रुपये, दिल्ली 5400, चरखी दादरी 5375, मुरैना 5125, ग्वालियर 5200, बरवाला 5200, हिसार 5300, नड़वाई मंडी 5341, अलवर मंडी 5300, खेरली मंडी 5343, निवई मंडी 5275, टोंक मंडी 5255, खैरथल 5250, गंगापुर 5325, कोटा 5100, और आदमपुर मंडी में सरसों का भाव रहा 5030 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।